से लेकर भारत तक। अब तीसरी भविष्यवाणी वो है बॉलीवुड, बॉलीवुड फिल्म स्टार है ना, हम लोग क्या बोलते हैं फिल्मी कलाकार नहीं बोलते, फिल्म स्टार बोलते हैं। लेकिन बॉलीवुड के लिए प्रभु ने भविष्यवाणी करी, 31 दिसंबर से पहले पहले आप बॉलीवुड का संकट देखोगे, बहुत लोगों के जीवन में संकट आएगा, परेशानी आएगा, उलझ जाएंगे किसी न किसी बात में, किसी न किसी हालात में उलझ जाओगे, और बहुतों का जीवन बचेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु में आएंगे लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी में उलझेंगे, बीमारी में उलझेंगे, एक्सीडेंट में उलझेंगे, संकट आएगा, किसी भी प्रकार का संकट है, और कुछ लोगों का जीवन प्रभु बचाएगा, इस संकट के द्वारा उद्धार दिलवाएगा प्रभु यीशु मसीह। अब ये भी देखोगे कुछ फिल्मी कलाकार जो नए आने वाले, यानी कि अभी तक आपने प्रेम चोपड़ा को या जॉनी लीवर को देखा होगा यीशु मसीह का प्रचार करते हुए, या बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन और देखोगे इस 31 दिसंबर पहले संकट भी आएगा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार इस वक्त काफी परेशान चल रहा है, और उनकी इस परेशानी की वजह और कोई नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन है। दरअसल अभिषेक बच्चन को चोट लग गई है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभिषेक को देखने उनके पिता अमिताभ बच्चन और बहन श्वेता बच्चन भी हॉस्पिटल पहुंचे। अमिताभ बच्चन को अस्पताल से बाहर आते हुए स्पॉट किया गया। इस दौरान वो व्हाइट कुर्ता पजामा पहने नजर आए। बिग बी इस दौरान काफी सीरियस नजर आ रहे थे और उनका पूरा ध्यान सिर्फ उनकी मोबाइल फोन पर था। हालांकि अभिषेक बच्चन के हाथ में ये चोट कैसे लगी है इसकी अब तक कोई खबर नहीं है, साथ ही जूनियर बच्चन की चोट कितनी गहरी है इस बात की भी अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन उन्हें रविवार को ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सामने आई तस्वीरों में अभिषेक बच्चन के हाथ में प्लास्टर बंधा देखा जा सकता है। वही हॉस्पिटल के बाहर अमिताभ के साथ इस दौरान उनके बॉडीगार्ड्स भी नजर आए। हालांकि श्वेता बच्चन गाड़ी में ही बैठी नजर आई, वो अपने पिता अमिताभ के साथ भाई को देखने आई थी। अमिताभ बच्चन और बेटी श्वेता रविवार रात को मुंबई के एक हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किए गए थे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही अभिषेक बच्चन को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जहां वो वाइफ ऐश्वर्या रॉय और बेटी आराध्या को छोड़ने गए थे। ऐश्वर्या मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्विन की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश के ओरछा रवाना हुई थी। इसी दौरान अभिषेक की कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें उनके दाहिने हाथ में स्लिंग लगी हुई नजर आ रही थी और इसके साथ ही उनके हाथ की उंगलियों में भी पट्टियां बंधी हुई थी। बहरहाल हमारे इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया और एंटरटेनमेंट, प्रेज द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे जीजू? अभी आपने देखा और जो बॉलीवुड है उस पर दिन संकट आ रहा है, क्योंकि भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने पहले ही उपस्थित दिखा दी थी। आइए प्रार्थना करते हैं, और भी बहुत एक कुछ बातें हैं जो शेयर करनी है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा दास जो तू बोलता वो बोलता, तू करके दिखाता है पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरी ही वाणी है जो पूरी होती है पिता, लेकिन जहाँ भी संकट आता है तू दया भी करता है पिता। आज का वचन भी और समझाना भी तेरी इच्छा के अनुसार हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपने सुना और समझा, जो जो भविष्यवाणियाँ प्रभु ने बताई है वो हूबहू पूरी होती है अभी तक। ये मेरी बात नहीं, ये मेरी वर्ड नहीं, ये मेरे वर्ड नहीं, ये परमेश्वर के वर्ड है। जो मुझसे कहता है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कुदरत की मार हो यानी कुदरत की संकट हो, है ना, या फिर या राजनीति, कुछ भी भविष्यवाणी हो या आपके जीवन की हो, परमेश्वर पूरी करता है। हाँ कुछ भविष्यवाणियाँ लेट हो सकती है, कुछ बदली जा सकती है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु की हम दुसना में करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। जैसे नीनवे शहर को भी प्रभु ने माफ़ करके अपनी इच्छा बदल दी थी। और मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जैसे बॉलीवुड में कहा वैसे ही हो रहा है, और 31 दिसंबर से पहले पहले बोला, यानी कि अभी तो और मतलब आप देखते रहोगे और मैं आपके सामने लाता रहूँगा सारी भविष्य जो जो परमेश्वर पूरी करता है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रार्थना देखना ना भूलें, मिस ना करें, खुद भी प्रार्थना करें, खुद भी वचन पढ़ें। लेकिन जो भी प्रार्थना आती है, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो आधे घंटे की, चाहे 1 घंटे की, चाहे लाइव हो, चाहे रिकॉर्ड हो, आपको देखनी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा वर्ड, कौन सा आवाज़ वो आपके आपके परिवार के लिए आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे अजीज़ों, दो भविष्यवाणी यानी कि दो किस्म की भविष्यवाणी प्रभु ने मुझसे करवाई थी, आपको पता होगा, 5-5 करके।
पांचों के संकट की थी, और मैं आपको थोड़ा सा बताना याद दिलाना चाहता हूँ वो कौन सी भविष्यवाणी थी, और उसका दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे रखा है। और देखो जो 31 दिसंबर से पहले होने वाली भविष्यवाणी थी वो पांच थी। कौन सी थी वो, पहले वचन पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी पांच भविष्यवाणी हैं जो प्रभु ने पूरी कर रहा है और करेगा भी। तो निकालेंगे एक वचन जो प्रभु ने बताया है, यहेजकेल नबी किताब यानी कि यहेजकेल का 3 अध्याय का 16 से पढ़ेंगे। यहेजकेल का 3 अध्याय का 16 वचन से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, 7 दिन के व्यर्थ होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पैरवा नियुक्त किया है। क्या करा है, चरवाहा। अब चरवाहा का काम क्या है, वो अपनी तरफ से कोई बोलता है, यानी कि नबी यानी कि भविष्यवक्ता परमेश्वर नियुक्त किया है। मैं कौन हूँ, मेरा खग मिट्टी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आज प्रभु का आत्मा, प्रभु का काम प्रभु करवा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था। परमेश्वर के उपस्थिति में प्रभु ने बदला, जैसे प्रभु ने शाऊल को पौलुस बनाया ऐसे प्रभु ने मुझे बदला अपनी आत्मा के द्वारा। ऐसे बहुत लोग बदले, मैं चाहता हूँ हर एक भाई बहन का जीवन बदले जो पाप में हो, संकट में हो, परेशानी में हो। तो ये परमेश्वर की तो आवाज़ है, तो मैं कहाँ से लाता हूँ ये वर्ड, परमेश्वर की लाता है। कैसे लाता है, प्रभु देता है मुझे। जब आपके लिए हो, आपके जीवन के लिए, चाहे प्रार्थना हो, चाहे संदेश हो, चाहे भविष्यवाणी हो, आपको सुनना है। तो यहाँ लिखा है, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। परमेश्वर नियुक्त करता है, क्या करता है, चरवाहा नियुक्त करता है आपके लिए, पूरे समाज के लिए, जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, हर कोई चरवा है, हर कोई दास है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रभु ने नियुक्त किया, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग आवाज़ को सुनते हैं, जहाँ मुझे बुलाते हैं या जो मुझसे मिलते हैं, जहाँ तक ये आवाज़ प्रभु का पैगाम जाता है उन तक प्रभु ने नियुक्त किया है। खासकर जो चैनल पर जुड़ रहे हैं, जो यीशु चंगाई सभा में निश्चित जुड़ रहे हैं, जो मेरे व्हाट्सएप पे है, तो क्या लिखा है, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पैरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुँह की बात सुनकर, सुनना वर्ड सुनना, तू मेरे मुँह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। मुँह की बात सुनकर, ये परमेश्वर की मुँह की बात होती है जो मैं सुनता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। अभी एक बहन ने दर्शन देखा था, और उस दर्शन में उन्हें बताया था साफ शब्दों में, उसका लिंक मैंने ऊपर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। और उस बहन ने ये देखा था कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ, एक नहीं बहुत लोगों ने देखा था कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ रहता है, प्रभु जहाँ उपस्थित होता है उसके भविष्यवक्ता यहाँ होते हैं, वो मुझे संदेश देते हैं तो मैं बोलता हूँ। तो ये बस हकीकत है, परमेश्वर का आत्मा हमारी रक्षा करता है, तो हमारे साथ बोलता है, कि बोलने वाला हम नहीं, खुदा का आत्मा है। तो यहाँ वचन साफ कहता है, यहाँ वचन साफ कहता है, तू मेरे मुँह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। अब चेताने का मतलब है चेतावनी देना। अब कितनी बार प्रभु का ऐसा वचन निकलता है जो आपको पसंद नहीं आता होगा, कड़वा लगता होगा, लेकिन भैया वो सच है। शताब्दी दिन चल रहे, परीक्षक दिन चल रहे, हम आज भी मौज मस्ती में लगे हुए, आज भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में लगे हुए, आज भी लव मैरिज के चक्कर में, आज भी पैसे कमाने के चक्कर में लगे हैं। अरे संकट का समय, मसीहों पर भी संकट है, प्रभु के दासों पर भी संकट है, आप समझो इस बात को। हमें प्रार्थना की जरूरत है, हम सब मिलकर प्रार्थना करें अपने दासों के लिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, सब मिलकर प्रार्थना करें। कितना संकट आ रहा है ना, परमेश्वर हम सबकी रक्षा करे। मेरे जी तो प्रार्थना करूँगा। और देखो कौन कौन सी भविष्यवाणी प्रभु ने बताई थी जो पूरी हो रही है। 31 दिसंबर से पहले 5 भविष्यवाणी बताई थी और वो पूरी होती जाएगी। और देखो आप खुद को पता है, पानी का संकट आपने देखा, पानी कितना आया, बाढ़, तूफान, है ना, सब कुछ। जंगल में संकट आपने देखा, बाहर की कंट्री में कितने जंगल हुए, एक जंगल नहीं बहुत जंगल नाश हुए, उसमें आग लगी। फिर बॉलीवुड पे जैसा भी देखा आपने, और पहाड़ पे संकट ये भी आपने देखा, और चमत्कार हम और आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। ये भविष्यवाणी हमारी और आपकी लाइफ में है, तो ये सारी भविष्यवाणी पूरी हो रही है और आप खुद देख रहे हो। दूसरा जो प्रभु ने मुझे बताया था, 5 भविष्यवाणियाँ, इसकी टाइमिंग नहीं पता, लेकिन प्रभु ने बताया था कि होगी, और उसमें से बहुत पूरी हो चुकी है। पहली कौन सी है, रेलगाड़ी का अभी प्रभु दया करे। ये भविष्यवाणी सुनने के बाद मैंने बहुत प्रार्थना करी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु दया कर। तो अभी रेलगाड़ी का हादसा, ठीक है, रेलगाड़ी पे संकट। तेज भूकंप आपने देखा, 2 ऐसे भूकंप आए जिसकी गति 7.6 रही, ठीक है। CM पे संकट, अभी देखा आपने, CM का देहांत हो गया, है ना। युद्ध आपने युद्ध देख रहे हो, युद्ध तो भयंकर है, और ये ऊपर लिखा हुआ है भयंकर भविष्यवाणी, ये भयंकर है, छोटी मोटी नहीं, भयंकर भविष्यवाणी है। दोनों लिंक मैंने नीचे डाल रखे।
और जहाज़ों पे, आपने देखा जहाज अभी दो भविष्यवाणी रह गई, यानी कि जहाज दोनों किस्म के थे, एक पानी का एक ऊपर का। अगर वैसे जहाज ऊपर वाले पे तो आ गई पानी पे, पर वो ना करे मैं तो ये कह रहा हूँ, और रेलगाड़ी पे भी ना करे। तो ये भविष्यवाणियाँ हैं जो प्रभु ने बताई है, और आपकी लाइफ में भी भविष्यवाणियाँ पूरी होगी। मेरे जी तो हम प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें और परमेश्वर में रहे। और ये सताव का समय चल रहा है, ये संकट का समय चल रहा है, ये प्रभु के आने का आगमन का समय चल रहा है, तो हमें जितनी प्रार्थना करनी है उससे ज़्यादा प्रार्थना करें। मस्ती ना करें, इग्नोर ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। बहुत संकट का समय, संकट में प्रभु ही बचाएगा हमें, संसार नहीं बचाएगा हमें, सिर्फ प्रभु ही बचाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते प्रभु जी आज इस प्रार्थना के द्वारा, तेरा अभिषेक सब पे मिले, जो तू मुझे बोलता है मैं यहाँ बोलता हूँ। जितनी भविष्य ने अभी तक पूरी हुई है जब से आपने मुझे वरदान दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ संकट आए वहाँ तेरी दया हो, और जितनी नहीं हो पाई पूरी पिता उस पर तेरी दया हो, तेरी इच्छा के अनुसार पूरी हो। और जितनी इनके लोगों के लिए है पिता, वो भी तो पूरी कर रहा है सारी जगहों पर पिता। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आज देखने वाले सुनने वाले सबको सुपर ब्लेस कर, आशीषित करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु जी फिर मिलेंगे। प्रार्थना में लगे रहो। गॉड ब्लेस यू।